आप सभी लोग एग्री करते होंगे कि जो व्हीकल्स के थ्रू फैलने वाला पोल्यूशन है वो तेजी से फैल रहा है, जिससे कि हमें सिर्फ पोल्यूशन ही नहीं बल्कि पार्किंग, ट्रैफिक जैम, नॉइस पोल्यूशन जैसी और भी कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। और इन सब से बचने के लिए हम धीरे धीरे इलेक्ट्रिक बाइसिकल या फिर किसी दूसरे इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जरूर स्विच हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में भी कुछ ऐसे ही शानदार और एडवांस इलेक्ट्रिक बाइसिकल्स गैजेट्स आप देखने वाले हैं, जो कि आपको फिट भी रखेंगे और आपकी राइडिंग को एंजॉय भी करवाएंगे। तो सर चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट होगा जायरो बॉल से। फिलहाल जो आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो कोई फुटबॉल नहीं बल्कि असल में एक होवरबोर्ड जैसा छोटा सा व्हीकल है, जो कि किसी भी शॉर्ट डिस्टेंस के लिए अपने सिटी में ट्रेवल करने के लिए यूज में लाया जा सकता है। सो इस व्हीकल को यूज करने के दो फायदे हो सकते हैं। पहला तो ये कि आपको इसे कहीं पार्क करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी के साथ इसके चोरी होने के भी कोई खतरा नहीं होता, क्योंकि इसे हाथों में रखकर कहीं भी लेकर जा सकते हैं। बट ये 100 kg तक का वेट अपने ऊपर उठा सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, इससे आप किसी भी तरह के ट्रैफिक जाम में नहीं फंसने वाले। अराउंड 32,644 rupees वाले इस व्हीकल में आपको मैक्सिमम स्पीड 20 km/h की मिलेगी। ये इलेक्ट्रिक है इसलिए इसे एक बार फुल चार्ज करने पर 24 km तक की रेंज में घुमा जा सकता है, जबकि इसका जो चार्जिंग टाइम है वो सिर्फ और सिर्फ 2.5 hours तक का है। सो देखा जाए तो अभी हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल का कोई चलन है नहीं, लेकिन इन फ्यूचर आपको इस तरह के व्हीकल्स जरूर मार्केट में और रोड पर देखने को मिलेंगे। नंबर 9, स्मग साइकिल। सबसे पहले तो मुझे इस बाइक का लुक ही सबसे अच्छा लगा, क्योंकि दूसरी बाइक से दिखने में तो पूरी तरह डिफरेंट है। क्योंकि नॉर्मली इलेक्ट्रिक बाइक से हम क्या ढूंढते हैं, तो सबसे पहले तो वो फास्ट होनी चाहिए। इसकी जो टॉप स्पीड है वो 48 km/h तक की है, और स्टाइलिश कितनी ये तो आप खुद ही देख चुके हैं। साथ ही इसे बनाने में एल्यूमिनियम फ्रेम का यूज किया गया, जो कि इसे लाइट वेट बनाने के साथ स्ट्रॉन्ग भी बनाता है। और करीब करीब 87,243 rupees माने वाली इस बाइक को ऑन रोड ऑफ रोड दोनों के लिए डिजाइन कर दिया गया है। दोस्तों इसमें 5 power settings दे रखी, जिसे आप अपने कम्फर्ट के हिसाब से सेट कर सकते हैं। और तो और इसमें हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक है, फ्रंट साइड में सस्पेंशन भी दे रखे, अपनी बाइसिकल राइडिंग को अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। खैर बाइक कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं ईशार्क C08 की तरह। बेसिकली ये एक तरह की इलेक्ट्रिक स्केटबोर्ड है, जिसकी हेल्प से आप तरह तरह के अलग अलग स्टंट्स भी परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें आपको एक छोटी सी स्मार्ट LCD देखने को मिल जाएगी, जिसमें अलग अलग इन्फॉर्मेशन आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो इसमें बैटरी लगी हुई है वो रिमूवेबल बैटरी है, इट मींस आप इससे अपना स्मार्टफोन भी चार्ज कर सकते हैं। और इसी के साथ इसे फुल्ली चार्ज करने के लिए सिर्फ 1 घंटा चाहिए। इसकी जो टॉप स्पीड है वो 36 km/h की, साथ ही इसे एक बार में 16 km तक की रेंज में इजिली घुमा जा सकता है। इसका जो वेट है वो सिर्फ और सिर्फ 4.5 kg के आसपास है, जबकि ये अपने ऊपर 150 तक के हैवी वेट को भी झेल सकते हैं। और ये हल्की भी है इसलिए इसे कहीं भी कैरी करना बड़ा इजी होता है। नंबर 8, ज़ायलॉक। हमारे आसपास हम जो अपनी बाइसिकल चोरियों के बारे में सुनते हैं उनमें से 90% केसेस में जो बाइसिकल्स होती है वो ऑलरेडी लॉक्ड होती है। इट मींस अब तक जो हम लॉक यूज करते आ रहे हैं वो सफिशिएंट नहीं, इसलिए हमारी बाइसिकल और भी ज्यादा सिक्योर बनाने के लिए ये एडवांस लॉक है, जिसे की ओपन करने के लिए आपको किसी भी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर इसे अपने ब्लूटूथ के जरिए भी आप कनेक्ट करके ओपन कर सकते हैं। और ये इतने ज्यादा हार्ड मटेरियल से बना हुआ है कि जो कि ना तो कटेगा और ना ही टूटेगा। इवन इस पर कार भी चढ़ जाए तब भी इसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। और तो और इससे आप नारियल तोड़ सकते हैं। इसी के साथ ये कंपैक्ट इतना ज्यादा है कि इसे आप कहीं भी आसानी से रखकर लेकर जा सकते हैं और अपनी बाइसिकल को सेफ रख सकते हैं। इसकी जो मेटालिक चेन है वो 98 cm तक लॉन्ग है, जिससे ऑलमोस्ट सभी बाइसिकल को लॉक किया जा सकता है। इसमें मोशन सेंसर भी लगा हुआ है, सो बाइसिकल के साथ जब भी कोई अनऑथराइज इंटरफेयर होता है तो इसका अलर्ट सीधे स्मार्टफोन पर आ जाता है, क्योंकि इसका ये मोशन सेंसर 100 meters तक की रेंज में वर्क करता है। अराउंड $119 यानी कि अप्रोक्स 8,650 rupees में आने वाले इस लॉक को काम करने के लिए बैटरी की जरूरत होती है। इवन अगर ये बैटरी डेड भी हो जाए तब भी इसकी की से इसको अनलॉक किया जा सकता है। साथ ही ये वेदर प्रूफ है और इसलिए इसे किसी भी सीजन में यूज किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं चुमलू F2 की तरफ। हम में से कुछ पर्सन ऐसे भी होंगे जिन्हें की इलेक्ट्रिकल बाइक से ज्यादा स्कूटर पसंद है। जी हाँ, उन लोगों के लिए स्पेशली इंक्लूड किया है मैंने ये शानदार सा फुटबॉल स्कूटर, क्योंकि इसे एक बार फुल चार्ज करने पर 100 km तक की रेंज में आसानी से घूम सकते हैं। करीब 42,700 rupees माने वाले स्कूटर की टॉप स्पीड 25 km/h की है, जिसकी हेल्प से आप किसी भी तरह के हिल पर चल सकते हैं। साथ ही इसे किसी भी सरफेस पर चलाया जा सकता है, क्योंकि इसमें 12 इंच के बड़े बड़े व्हील्स लगे हुए हैं। इसी के साथ इसमें लगे सस्पेंशन की वजह से हमें किसी भी तरह का कोई मेजर जर्क देखने को नहीं मिलता। बट फिर भी Xiaomi ने M365 और Segway के 9BOT Max से काफी ज्यादा और मोस्टली एक्सपेक्ट से बेटर है, क्योंकि जहां इसकी रेंज 100 km की, Xiaomi की रेंज 30 km तक की है और दोनों से ज्यादा। जी हाँ, चलिए आगे बढ़िए अल्फा ई बाइक की तरफ। मिली इस अल्फा बाइक से जो कि आपकी किसी भी राइड को इजी, कंफर्टेबल और इको फ्रेंडली बनाने का। इसके वेट को कम रखने के लिए इसकी जो बॉडी वो एल्युमिनियम फ्रेम की बनाई गई और इसकी जो वेट लिमिट है वो 100 kg तक की। इसके अलावा बात करें इसकी टॉप स्पीड की तो वो 25 km/h की है। यही बाइक हमें क्विक चार्जिंग के साथ मिलती है और यह 60 minutes में फुल चार्ज हो जाती है। हमारी राइड को स्मूथ बनाने के लिए इसमें 6 प्रकार के अलग अलग असिस्टेंट दिए गए हैं, जिनका की अलग अलग यूज है। इसके आगे और पीछे दोनों व्हील्स पर डिस्क ब्रेक है, जो कि पल भर में ही आपकी बाइक को रोक देंगे, जिससे कि एक्सीडेंट के चांसेस काफी हद तक कम हो जाएंगे।
फिलहाल बात करें अब इसकी प्राइस की, तो इसका प्राइस है $499। जी हाँ, यानी कि करीब करीब 36,268 रुपए। नंबर 4, रंबल एयर ई बाइक। इसमें 750 वॉट की मोटर है जो कि इस बाइक को 48 किलोमीटर पर आर की टॉप स्पीड प्रोवाइड करती है, और इसमें ड्यूअल बैटरी भी दी गई है जो कि अप्रोक्स 144 किलोमीटर तक आपका सांस दे सकती है। इसमें 7 स्पीड बाइसिकल गियर सिस्टम भी दे रखा है जिसको आप अपने स्पीड के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, और फोन डिस्चार्ज होने पर इसके पैड पर रख देने पर वो ऑटोमेटिकली चार्ज भी होने लगेगा। अब बात करें इसकी प्राइस की, तो $3,450 यानी कि करीब करीब 2,50,700 रुपए है। नंबर 3, यूनिट 1 फैरो। नाइट टाइम में जब कोई भी पर्सन अपनी बाइसिकल राइडिंग के लिए कहीं निकलता है तो उसके सामने मोस्टली दो ही प्रॉब्लम होती है। पहली तो सेफ्टी के लिए हेलमेट पहनना है, दूसरी प्रॉब्लम होती है विजिबिलिटी, क्योंकि बाइसिकल में बाइक की तरह कोई भी इंडिकेशन लाइट नहीं होती। ऐसे में ये राइडर्स की सेफ्टी पर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लग जाता है, क्योंकि एक रिपोर्ट में मैंने देखा था कि 2011 से 2015 तक के बीच में 25,435 साइक्लिस्ट की मौत हो चुकी थी। इतने तो किसी टेररिस्ट अटैक में भी नहीं मारे जाते। खैर, इसी तरह के एक्सीडेंट को कम करने के लिए बनाए गए शानदार हेलमेट जो कि देखने में गुड लुकिंग है और इसकी विजिबिलिटी भी बनी रहती है, क्योंकि इसके फ्रंट और बैक दोनों साइड में रियल लाइट्स लगी हैं। इसके बैक में फैब्रिक से कवर्ड 40 LED लाइट्स होती हैं, जिसे पावर ऑन करते ही इसमें तरह तरह के पैटर्न्स शो होने लगते हैं। साथ ही इस रिमोट को अपनी बाइसिकल के हैंडल से अटैच करके अपने पीछे आने वाले कार को इजीली इंडिकेट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अराउंड 12,288 का ये हेलमेट वेदर प्रूफ भी है, और ये गैजेट आपके हेड को पूरी तरह से कूल रखता है क्योंकि इसमें से इजीली विंड पास हो जाती है, और इतने सारे फीचर होने के बाद भी ये पूरी तरह लाइट वेट है। सो पर्सनली देखा जाए तो मुझे ये गैजेट सच में बेस्ट लगा। नंबर 2, बिग एम लाइट। मेरी ये शानदार सी स्मार्ट इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक टेल लाइट से जो कि फुल्ली ऑटोमेटेड है, यानी कि जैसे ही बाइसिकल मूव्स होना स्टार्ट करती है ये ऑटोमेटिकली ग्लो होने स्टार्ट हो जाती है, और इसकी रेंज थोड़ी बहुत भी नहीं, अंदर में 180 डिग्री तक की विजिबिलिटी प्रोवाइड करती है। इसी के साथ जैसे ही बाइसिकल रोकी जाती है अपनी ब्राइटनेस को और भी ज्यादा इंक्रीज कर देती है, और इसलिए क्योंकि इस छोटे से प्रोडक्ट में लाइट सेंसर, मोशन सेंसर जैसे कई सारे अलग अलग सेंसर इंक्लूड कर दिए गए हैं जो कि अपने आसपास के एनवायरमेंट को सेंस करके ही रिएक्ट करते हैं। साथ ही ये ऑफ हो जाने के बाद टोटली इनविजिबल हो जाती है, क्योंकि इसे बनाने के लिए एक सिंगल पीस ऑफ मेटल अलॉय से बनाया गया है। अलॉय है, इट मींस ये कोरोजन फ्री भी है, और इसमें जो एलईडी लाइट ऐड की गई है वो एडवांस ड्रिलिंग प्रोसेस के थ्रू हुई है, और इसलिए ये किसी थीफ की नजर में आती भी नहीं, इसलिए इसे किसी भी टाइप की चोरी से खुद को ये प्रिवेंट भी कर लेती है। चलिए फाइनली अब बढ़ते हैं व्हील फ्लैश 2.0 की तरफ। दोस्तों, अगर आप भी बाइसिकल राइडिंग के शौकीन हैं तो अब आपको इस शानदार से व्हील फ्लैश जरूर से पसंद आने वाला है, क्योंकि इनकी हेल्प से नाइट टाइम में आपकी विजिबिलिटी भी शानदार हो जाती है और लोग इससे आपको नोटिस भी करने लगेंगे। आपको जस्ट इन्हें अपनी बाइसिकल के टायर्स पर लगाना है, इसके बाद जैसे इन पर किसी भी तरह की लाइट पड़ेगी उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा, और ये जो रिफ्लेक्शन है वो 360 डिग्री वाला होता है, इसलिए इसे किसी भी डायरेक्शन से कोई भी आसानी से देख सकता है। साथ ही इस पर लगा ग्लास पाउडर भी इसके रिफ्लेक्शन को और भी ज्यादा इंप्रूव कर देता है, क्योंकि 2019 की एक रिपोर्ट में मैंने देखा था कि वर्ल्ड वाइड 56,000 साइक्लिस्ट अपनी जान गंवा चुके हैं एक्सीडेंट्स में। फिलहाल बात करें अब इसकी प्राइस की, तो इन स्टिकर का प्राइस अप्रोक्स 1,478 रुपए है। फिलहाल इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नोटिफिकेशन बेल आइकन के साथ, ताकि अगली आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।